जो भी निर्माण कार्य होता है उसके लिए एक प्रथा है, जो भी हमें कुछ नया काम करना होता है माता के दरबार में शक्ति के सामने दो फूल रखे जाते हैं। माँ से प्रार्थना की जाती है, माँ हम ये काम करना चाह रहे हैं, इसमें अगर आपकी सहमत हो तो वो फूल माँ का उठता है, अगर माँ की असहमत होती है माँ का उठता है। इस विषय में भी हमने ये जो हमारा यहाँ पर स्नान कुंड है, स्नान कुंड से ऊपर जब हम जाते हैं जहाँ आपको अभी हम दिखाए थे कि बाबा साधना स्थल है, शिव जी का जहाँ पर हमारा स्थल है, यहाँ पर जाने का नदी से रास्ता है, लेकिन ये रास्ता ऐसा नहीं है कि सब लोग जा सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर कल की डेट में पर्यटन की दृष्टि से हम तो विकसित करना चाहें, माँ का आदेश होगा तो उस समय हमारा प्लान ये है कि इस नदी के दोनों तरफ से हम रास्ता बनाएंगे, एक तरफ से जाने का रास्ता एक तरफ से आने का रास्ता। पर्यटन की दृष्टि से अगर माँ हमें इजाज़त देगी तो हम वो भी काम करेंगे, वहाँ की दूर से देश विदेश से जो आने वाले भक्तजन हैं यात्रीगण हैं वो इस गुफा का अलौकिक गुफा को देख पाए। बड़ी अलौकिक जगह है, ऐसा विघम दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता है जल्दी। ये उड़ते हुए चमगादड़ या हजारों चमगादड़ हैं, लेकिन साधकों को परेशान नहीं करते हैं, पूजा पाठ करने वाले को परेशान नहीं करते हैं। ये काफ़ी लंबी गुफा है, सुना ये जाता है आगे गुफा में रोशनी दिखाई देती है, वहाँ से रोशनी पता ही नज़र आने लगती है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना जो है नेचुरल है, बिल्कुल अलौकिक है। यहाँ बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि आके तपस्या करते हैं। ये देखिए ये शिवलिंग है, यहाँ बिल्कुल नेचुरल है, अपने आप उत्पत्ति हुई है भगवान शिव की।
भक्तगणों के आने जाने का रास्ता है ये। सरोवर तक जाते हैं, नदी तक जाते हैं और वहाँ से फिर यहाँ आते हैं स्नान करके। बड़ा ही विहंगम ये दृश्य, जो प्राचीन भी है अद्भुत भी है, माँ भद्रकाली मंदिर का ये प्रांगण है। प्राकृतिक रूप से बड़ा ही अद्भुत है और यहाँ भक्तगण आकर स्नान पूजन करते हैं। और ऐसा मानना है कि यहाँ स्नान करने से मतलब जो है एक कुछ भावनाएं जुड़ी हैं भक्तों की, तो इसमें मतलब आपका क्या कहना है पंत जी? ये माँ भद्रा नदी है जिसमें स्नान करने मात्र से ही सारे पुण्यों की प्राप्त होती है और जो भी हमारे को रोग सुख दुख दरिद्र हैं वो सब मिट जाते हैं, ऐसा मानना है और ऐसा हमारा अनुभव है जी। बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती है यहाँ आकर जी। जी यहाँ यहाँ की अलौकिकता को देखे तो अगर सच्चे दिल से कहो तो शब्द भी निकलते हैं, गला भरा आता है, मन गदगद हो जाता है, यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता है। ऐसी अलौकिक वादी, माँ का ऐसा स्नेह यहाँ पर है और इस तरह की वादी यहाँ पर है, इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप भी इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, जब यहाँ से जाने का समय आएगा तब उस समय आप खुद अनुभव करेंगे कि किस तरह का दर्द, किस तरह का कि अपने अंदर वेदना होती है यहाँ से जाने में। जी सुना है नवरात्रि में यहाँ बहुत भक्तगण आते हैं, काफ़ी भीड़ लग जाती है, तो लेकिन ये जो रास्ता है आने जाने का, ये जो बड़ा कठिनाई भरा रास्ता है, ये पक्का रास्ता नहीं है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे जो है मतलब थोड़ा सा जीर्णोद्वार होना चाहिए या पर्यटन उद्योग को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये रास्ता वगैरह बनाया जा सके और आसानी हो भक्तों के लिए, सुविधाएँ मिल पाएँ। जी जी चैत्र महीने की, हर वर्ष चैत्र महीने की सप्तमी से लेकर अष्टमी तक चैत्राष्टमी के मेले का यहाँ बड़ा महत्व है। दूर से दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं और व्यापारी लोग आते हैं आसपास की जगहों के, यहाँ पर क्षेत्रीय लोग इकट्ठा होते हैं। सप्तमी की शाम को यहाँ पर पूरी रात जागरण होता है और जागरण होने के बाद अष्टमी की सुबह को जिस माँ भद्रावती नदी में स्नान का विशेष महत्व है, यहाँ पर स्नानादि करके भक्त लोग और जो दूर दूर से आए हुए यात्री लोग होते हैं माँ की पूजा अर्चना करते हैं और मेले का आनंद लेके और अपना पुण्य प्राप्त करते हैं। भोजन तैयार होता है, प्रसाद तैयार होता है, हाँ, तो ये व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आपके पास रहती है? भक्तगण यहाँ आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो आपको यहाँ नियुक्त किया गया है, आप सेवा देखते हैं? जी। तो ये कब से सेवा देख रहे हैं आप? ये सेवा तो वैसे लंबी है, लंबी चौड़ी, फिर बहरहाल 2-3 साल से ये फिर अच्छा खासा चल रहा है जब से हमारी समिति का गठन हुआ। ये हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पंजी के सारे लोग संतुष्ट होके जाते हैं, इधर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, काफी दूर से लोग आते हैं यात्रा करने, काफी दूर से आते हैं। जी जी, तो रहने खाने की कोई परेशानी नहीं होती? ना ना, कहीं कुछ नहीं। जी जी, बहुत अच्छी बात। Thank you.
सरकार ने जो आपको सुविधा दी है उसमें क्या क्या निर्माण हुआ है अब तक? महोदय, इस प्राचीन मंदिर में सरकार के निर्माण के का ये एक नमूना आपके सामने है। विगत 2 वर्षों से इस पे काम शुरू हुआ है और न जाने सरकार के किस बजट में है, किस मद में है, किस नुमाइंदे का है, ये आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। सरकार की उदासीनता समझ लीजिए, सरकार का निकम्मापन समझ लीजिए, हमारे को समझ में नहीं आता है। मंदिर के निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्षेत्र की जनता के से लोगों ने व्यक्तिगत अपना यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए इस सत्संग हॉल का निर्माण किया है, इतने बड़े हमारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ है, रोड का निर्माण हुआ है, और सरकार की तरफ से जो भी आप देख रहे हैं ये हमको बताया गया कि 2.5 लाख रुपया इस पर लगा हुआ है सरकार का, और ये किस काम में आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जगह भी इंगेज कर दी हम आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मंदिरों के नाम पे इस तरह से ठेकेदारों में पैसा बांट के वो अपना नाकामी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इतना ही करना चाहता हूँ। और उसके लिए मंदिर कमेटी की जो जगह, ये साथ में जो हमारे पास जगह मंदिर कमेटी की थोड़ी सी 3-3.5 नाली ये जगह है, उसको भी और उन्होंने बाधित कर दिया, वो जगह घेर दी और किसी काम का आज रेट में नहीं है, जानवर यहाँ सो रहे हैं। और साथ में यहाँ पे देख लेंगे ये भोजनशाला बना हुआ है, ये भोजनशाला लोगों के अथक प्रयास से, उनके मेहनत से, उनके सहयोग से बना हुआ है। बाकी आप मंदिर में सामने देखेंगे ये जितने गेट बने हुए हैं और जितने आपके को धर्मशाला दिख रहे हैं, ये सब लोगों के अपने व्यक्तिगत से बने हुए हैं, और ये हमारे सरकार का नमूना आप देखिए। यहाँ पर हमारे को आज से 4 साल पहले मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, हमारे पास शौचालय नहीं थे। आप वो सामने देखिए, वो शौचालयों का निर्माण भी व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने किया हुआ है, सामूहिक तौर पर लोगों ने किया हुआ है, जिससे आज हम कम से कम एक शौचालय का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जी जी हाँ, यात्रियों के लिए शौचालय वगैरह की सुविधा तो होना अनिवार्य है। जी जी